सर्जन एट पटेल स्किन केयर सूरत। आज मैं आपको पेशेंट को हेयर ट्रांसप्लांट में कितने ग्राफ्ट चाहिए उसके बारे में बताऊंगा। नॉर्मली नेचुरली हमारे गॉड गिफ्ट 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 80 to 100 ग्राफ्ट रहते हैं। वो डेंसिटी हम हेयर ट्रांसप्लांट के बाद मैक्सिमम 40 से लेकर 60 तक दे सकते हैं। पेशेंट को कितने ग्राफ्ट चाहिए है वो उसके ग्रेड ऑफ बाल्डनेस कितने हैं, वो ग्रेड 1 में है, ग्रेड 2 में है, ग्रेड 3 में है, ग्रेड 4 में है या ग्रेड 7 में है, वो देखने के बाद फिर हम डिसाइड करते हैं कि उसको कितने ग्राफ्ट चाहिए। मैं आपको रफली बताऊंगा कि पेशेंट को कितने ग्राफ्ट चाहिए। नॉर्मली क्या होता है, जो पेशेंट का फ्रंट से लेकर लास्ट तक का जो स्काल्प है उसको हम 3 भाग में डिवाइड करते हैं, फ्रंटल जोन, मिड जोन और लास्ट वाला है वर्टेक्स। अप्रोक्सीमेटली जो पेशेंट का फ्रंटल पार्ट है उसमें 2000 से लेके 2500 तक ग्राफ्ट रिक्वायरमेंट रहती है, और जो दूसरा उसका मिड जोन है उसमें अप्रोक्सीमेटली 1500 to 2000 तक ग्राफ्ट की रिक्वायरमेंट रहती है, और जो लास्ट वाला जो वर्टेक्स है ऊपर वाला पार्ट क्राउन एरिया उसमें पेशेंट को मैक्सिमम 2500 से लेके 3000 तक ग्राफ्ट की रिक्वायरमेंट रहती है। ये जो मैंने बताया हो पेशेंट की अकॉर्डिंग टू ग्रेड है, वो पेशेंट का बाल्डनेस का कितना ग्रेड है, कितनी चौड़ाई है हेयर लॉस की, उसके हिसाब से हम ये सब ग्राफ्ट कितने चाहिए हो डिसाइड कर सकते हैं। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरे अपने ग्रुप में फॉरवर्ड करें। थैंक यू वेरी मच।